और ये रहा शिवराज सिंह जी का घर। जैत गांव से करीब हम 1.5 से 2 किलोमीटर चलकर आए। नर्मदे और किधर रास्ता जाएगा? इधर के इधर सीधा। बड़ा भाई और शांत हो गया जी, मेरा भी डी एंड हो गया। बराबर, मेरे दादाजी माँ के चरणों में पहुंच गए और हाथ में जल उठा के जी जी बोले, माँ दो बातें हैं मेरी सुन ले। कहने सुबह के 6:30 बजे और गत रात्रि को हम इस किरार समाज द्वारा संचालित धर्मशाला में रुके थे और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरफ ये मंदिर बन रहा, पता नहीं किन का। और यहाँ से हमें नारायणपुरा जाना है। और ये रहा शिवराज सिंह जी का घर। यहाँ से ये राइट वाला रास्ता घाट की तरफ जाते, हम यहाँ से आए थे, और ये लेफ्ट वाला रास्ता नारायणपुर की तरफ जाता। जैत गांव से करीब हम 1.5 से 2 किलोमीटर चलकर आए, 1.5 किलोमीटर के आसपास, और नारायणपुर अब नज़दीक ही है और सामने से सूर्य देवता के दर्शन हो रहे। और ठंडी आज भी इतनी ही है कि बात ही मत पूछो। और नारायणपुरा से करीब 1 किलोमीटर पहले बिल्कुल रास्ते में एक अन क्षेत्र है, तो यहाँ पर चाय प्रसाद के लिए हमें रोका है। तो चाय बाय प्रसाद लेकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। क्या प्रॉब्लम है भाई? और जैत से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर चलकर आते तो ये दो रास्ते आते, ये राइट वाला रास्ता नारायणपुर जाता है और ये सीधा रास्ता नांदेड़ जाता है, नांदेड़। तो अभी हमें नांदेड़ की तरफ जाना है क्योंकि नारायणपुरा साइड में रह जाता है। और यहाँ से रास्ता थोड़ा टूटा हुआ है, खराब, पक्का था मगर टूट चुका है। सुबह के अभी 7:45 बजे और हाँ से चलकर हम करीब 3 किलोमीटर से ऊपर आए जैत से, और नादनेर यहाँ से 2 किलोमीटर है, बोराना 5। और यहाँ पर देखिए इस छोटे से पेड़ पर कितने सारे बेर पके हुए हैं। हमारे मिथुन जी जहाँ तहाँ बेर ढूंढते फिरते थे मगर उस समय बेर पके हुए नहीं थे, तो उन्हें कहीं पर मिले नहीं। और अब यहाँ पर दुनिया भर के बेर है, इधर देखो उधर देखो, ये सब बेरों के ही पेड़ है। और शायद नानेर गांव अब आने वाला है क्योंकि दूर से पानी की टंकी दिखाई दे रही है। और इस क्षेत्र में मोस्टली सारी खेती इन फुहारों से ही होती है क्योंकि जमीन का लेवल इस तरह एक जैसा नहीं है। नांदनेर जीरो। और सुबह से अब तक हम लगभग 7 किलोमीटर चलकर आ गए। नांदनेर भी बड़ा गांव दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 मोबाइल के टावर दिखाई दे रहे दूर। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है नांदनेर गांव,
जो कि जैत से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। नर्मदा हार। नर्मदा हार। किधर रास्ता जाएगा? इधर के इधर सीधा। नादनेर गांव से निकलकर अब आगे आएगा 3 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर पर आगे आएगा कुसुमखेड़ा। 3 किलोमीटर बता रहे, हो सकता 4 भी हो, 5 भी हो। और सुबह के 8:30 बजे हमने नादनेर गांव को पार किया। काफी बड़ा गांव है। अब यहाँ से आगे कुसुमखेड़ा 4 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं। कुसुमखेड़ा के बाद ये कच्चा मार्ग थोड़ा आता है और यहाँ से बताया गया है कि भारकच 6 से 7 किलोमीटर दूर है और भारकच से रायसेन जिले की शुरुआत होती है। तो आज हम अभी थोड़ी देर बाद सीहोर जिले से विदाई ले लेंगे और एक बात की खुशी भी है कि एक जिले को हमने पार कर दिया। बस भारकच अभी थोड़ा ही दूर है, 1-1 किलोमीटर। और अभी हम रायसेन जिले में, पीछे एक टेकरी थी वहाँ से सीहोर जिला पूरा हो जाता है और रायसेन जिला शुरू होता है। अब रायसेन जिले की हद लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, तो देखते कितने दिनों में पूरा होता है। इधर से हम आए हैं और ये भारकच गांव में प्रवेश करते एक बोर्ड लिखा हुआ है, माँ कृपा धर्मशाला। और इस तरफ राइट की साइड झंडिया लगी हुई, नर्मदे हर बाबा। तो हम उधर ही जा रहे हैं। आश्रम कौन सा? ये हमने दिख रहा है ये बाबा। तो भैया ये है भारकच की गलियां, आश्रम पता नहीं कितना दूर है। और इधर से हम आए और ये देखिए कितने पुराने पुराने मकान है। नर्मदे हर बाबा। और यहाँ से आगे आने पर एक शिव जी का मंदिर आता है और ये रास्ता घाट को जाता है और ठीक इसके पास में माँ कृपा धर्मशाला अंचत्र है। और यहाँ पर परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। बहुत बड़ा हॉल है। इस अंशत्र के ठीक पास से ये सीढ़ियाँ जाती है, घाट बना हुआ है गांव का। तो हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। नर्मदे हर मैया नर्मदे। इधर से भी रास्ता आता है। और ये पीछे जो अंचत्र है, यहाँ नीचे घाट पर स्नान कर हम ऊपर आ गए और अभी आश्रम पर जाकर भोजन प्रसाद पाकर आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और सामने दिखाई दे रहा है गडरवास गांव।
आज हम सभी यहाँ बार कच्छ में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर हमें हमारी मुलाकात हुई श्री नर्मदा प्रसाद जी से, और श्री नर्मदा प्रसाद जी अपने साथ हुए कुछ मैया के चमत्कारिक अनुभवों को हमारे साथ साझा करना चाहते, तो हम सुनते हैं श्री नर्मदा प्रसाद जी के श्री मुख से। मेरे पहले एक बड़ा भाई और शांति जी, मेरा भी डी एंड हो गया बराबर। मेरे दादाजी माँ के चरणों में पहुँच गए और हाथ में जल उठा के जी जी बोले, माँ दो बातें हैं मेरी सुन ले, कहते कौन सी? अगर तूने जीवन दान दिया मेरे पोते को तो सूर्य उदय होते ही तेरी परिक्रमा में निकल जाऊंगा जी जी, और नहीं तो सूर्य उदय होते ही मेरे प्राण तेरे चरणों में दूंगा जी जी। अच्छा दो बातें हैं ये, इसमें बाल बराबर का फर्क मत समझना, मैं असर मेरे दादाजी बोले असत्य मत समझना दोनों बातों को। तो वो जो जलता हाथ में दो चार बूंद बचा होगा वो मेरे ऊपर लाके डाला है और मैं खेलने लगा, उसी वक्त मेरा नाम नर्मदा प्रसाद रख दिया जी। घर परिवार में बोल दिया कि वो पुराना नाम कोई भूल के नहीं लेगा, उसी वक्त मेरा नाम नर्मदा प्रसाद रख दिया, ये जीवन माँ नर्मदा ने ही दिया हुआ है जी। तो सूर्य उदय होते ही मेरे दादाजी माँ की परिक्रमा में चले निकल पड़े जब सूल पानी झाड़ी, उस समय ना तो पगडंडी थी जी जी, ना कोई रास्ता था, माँ ही हाथ पकड़ के रास्ता बता। ये कब की बात है? 60-62 साल पहले, 60-62 साल पहले की। वो झाड़ी में जब एक रोज क्या हुआ, रात्रि अंधेरा हो गया यानी लेट हो गए वो, तो अब उनने विचार किया कि आजू बाजू कोई व्यवस्था नहीं दिख रही, तो विचार किया कि चलो पेड़ पे रात रुकेंगे क्योंकि जानवरों का डर रहता था जी उस समय। तो ये विचार करते ही पेड़ पे चढ़ने को आतुर हुए तो एक दिया चल रहा है रोशनी नजर आई उनको, वो जब वह रोशनी जब नजर आई तो वहाँ पहुँच गए, वो वहाँ पूरा परिवार एकत्रित था बराबर, सास थी बहू थी बेटा था बेटे बच्चे थे सभी मौजूद थे उस मतलब आश्रम में, एक ही वो आश्रम था। जब वहाँ जाके भोजन प्रसादी पाई, रात्रि विश्राम किया, जब सुबह उठे वो तो एक पेड़ के नीचे सो गए बराबर, कोई नहीं था वहाँ पर, कोई नहीं था, जबकि पूरा परिवार जब वो पहुंचे जब पूरा परिवार मौजूद था, वो एक ही मतलब वो ढाल उतार जो घोड़ा पलान जो होते हैं ना लकड़ियों के, वो आश्रम था कच्चा, मतलब मैया की लीला थी, मैया की लीला। और ये जीवन 8 परिक्रमा हो गई बाबा मेरी, आपकी 8 परिक्रमा कर लिया आपने, मैं अभी करके आया हूँ, ज्यादा ज्यादा 20-25 दिन हुए पैदल सब। हाँ पैदल मैंने 5 पैदल की है, एक मोटरसाइकिल से की है और 2 वाहन से की है, 8 हो गए, और 2 भ्रमण भी हो गए माँ के चरणों में, मन उसी के चरणों में लगा रहता है। इस आश्रम को बनाया 15 साल हो गए, ये आश्रम आपने बनवाया जी जी। नर्मदे हर, हर, हर।